राजन लहरी ने अपनी मौत से पहले गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका कहना था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और अलग अलग रिलीजन हमारी ना समझी और कमियों की वजह से बना है। मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी में शामिल हुआ, तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे सिखाते थे, मैं बस उनको फॉलो करता था। मगर उन सब के जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, नई जनरेशन पर। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमारा मकसद हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं था। बस जहीं से मुझे एक नया मोड़ मिला, मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हों तो आपको सामने वाले की बात का सही जवाब देने का ज्ञान और समझ मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप रेवोल्यूशनरी पार्टी के विचारों और सोच को ख़त्म होने से बचा सकेंगे। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे ये समझ में आया कि अगर ज़्यादा ताकतवर हो मगर मुझे ये समझ में आया कि विचार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है। हम कहीं सुनी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने के लिए कहा, कहीं सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना, मैंने अपने मेंबर्स से कहा कि जब और कोई तरीका ना हो अपनी बात को आगे रखने का, बस तब वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस स्ट्रगल का असली मतलब समझे। उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कारण और प्रिंसिपल्स को समझने की ज़रूरत है। मैंने अनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और ट्रॉट्स्की के बारे में भी पढ़ा। मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 तक मुझे साफ हो गया था कि भगवान के होने की बातों और सोच में कोई लॉजिक नहीं है। अगर रियलिटी के प्रिंसिपल्स के जरिए से देखें तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान है जिन्होंने पूरी यूनिवर्स और इस दुनिया को बनाया और वह इसे देख रहे हैं। अगली जो घटनाएं मेरे साथ हुई, मैंने उन सब का सामना एक नास्तिक की तरह ही किया। 1927 में मुझे अरेस्ट किया गया। 1927 में लाहौर में मुझे अरेस्ट किया गया है। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं एक गार्डन के पास से गुजर रहा था जब पुलिस वालों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत शांत था। मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। ना तो गुस्से में था, ना घबराया हुआ। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मुझे एक महीने तक बंद कर रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि मैं काकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उनने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूँ कि क्योंकि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को भगाने के प्लान में मैं भी शामिल था। पुलिस ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर मैंने बम जमा किए और इसे टेस्ट करने के लिए 1926 में दशहरा फेस्टिवल के समय इसे ब्लास्ट किया। पुलिस ने मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें रेवोल्यूशनरी पार्टी में चल रहे काम और बातों की खबर दूंगा तो वो मुझे छोड़ भी देंगे और कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रपोजल पर बहुत हंसा। मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि ये बस एक जाल है। मेरी ही तरह कोई भी दूसरा रेवोल्यूशनरी सोच का आदमी कभी मासूम लोगों पर बम ब्लास्ट करके उन्हें घायल नहीं कर सकता। CID के सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सजा दिलाने के लिए
वो मेरा नाम काकोरी केस के अलावा दशहरा में हुए मर्डर के साथ भी जोड़ देंगे। उन्हें बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं कि मुझे आसानी से फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा, पर अब तक तो मैं नास्तिक बन चुका था। मैं सोचता था कि मैं नास्तिक बस तब होता हूँ जब मैं शांत और खुश होता हूँ। मुझे लगा शायद काकोरी शाहिदों की तरह मैं भी तकलीफ और मुसीबत के समय भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊँगा। पर मुझे एहसास हुआ इस बुरे वक्त में भी, जब मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी बात पर टिका रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैं पूरी तरह हर बार नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में एक सहारा और आस दिखाई देती है, लेकिन अगर ये सोच हो कि कोई भगवान है ही नहीं, तो आदमी को खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसे खुद पर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। ज़िंदगी के तूफान और मुश्किलों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। ऐसे ज़रूरत के समय में आदमी घमंडी नहीं हो सकता। वह भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं एक तूफान के बीच फंसा हूँ। अगले एक हफ्ते मैं कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था, सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल के लिए लड़ा। मैं जिस बात पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ रहा, और उसकी वजह से अब मेरी जान भी जा सकती है। हिंदू रिलीजन को मानने वाला रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होगा। क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी सोचेगा कि वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। पर मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो नास्तिक हूं। मैं बस ये जानता हूं कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी और मेरे पैरों के नीचे से बीम को हटा दिया जाएगा, वही सबसे बड़ा सच होगा, वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत के बाद ज़िंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास बस एक छोटी सी ज़िंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए जिया। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, ना इस जन्म में, ना ही अगले जन्म में। मैंने अपना जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, क्योंकि मैं बस वही चाहता था। अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने में लगाना, पूरे मन से लोगों के दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी इनाम की चाहत में, जैसे कि अगले जन्म में मैं राजा बनूंगा या स्वर्ग में रहने की इच्छा रखना, यही सच्ची सेवा है और सबसे महान काम है। क्या इसमें का आपको घमंड नजर आता है? क्या इस महान कार्य को करने में आपको कहीं भी घमंड दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके पास बस कहने के लिए दिल है मगर भावनाएं नहीं। ये दुख बहुत दुखी बात है कि मेरा खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। ये बात तकलीफ देती है कि लेकिन आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी पर सवाल उठाओगे या किसी बड़े आदमी के खिलाफ बोलो, तो इसे आपको घमंडी कहा जाएगा, इसे आपका घमंड समझा जाएगा, इसके आपका घमंड समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। क्या ऐसी सोच अंधविश्वास नहीं है? एक रेवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आज़ाद ख्यालों वाला हूँ। मुझे पुरानी बातों और सोच को चैलेंज करने का हक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी की बात करते हैं, क्योंकि वे एक महान इंसान थे, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और रिलीजन के बारे में जो भी कहा, सब ठीक ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं, बस आपको
उसे सच मानकर अपनाना होगा। क्या इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है कि बिल्कुल नहीं। ये आज़ाद सोच तो नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है, ये वैसा ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में आपके घर के बड़े बड़ों ने ऐसा किया था। मैं साफ बता चुका हूँ कि घमंड मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। इसे पढ़ने वाले रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं भी जानता हूँ कि समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी, मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाएगी, इस तकलीफ में भी आनंद आने लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए चीज़ें मुश्किल और रूखी सूखी हैं। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा, मैं खुद को खोना नहीं चाहता, मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, और मैं इसे कारण की सोच समझकर एक्सेप्ट करूँगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सफल हो जाऊँ। अगर मेरे नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है तो फिर क्या है? हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम अगले पाठ से शुरू करेंगे। धन्यवाद।